बार मेरे साथ एक महिला थी हम लोग यात्रा में थे रास्ते में थोड़ा फ्रेश होने के लिए एक जगह रुके वो रेस्टोरेंट था कुर्सी में बैठे कुछ नाश्ता ऑर्डर किया अचानक से वो बहुत जोर से हंसी मैं क्या हुआ कृति अब क्या बताऊं कृति सामने शीशे में मैं मेरा ही मेरी ही पीठ देख रही थी और जो कपड़े हैं जो पीठ है जो बाल हैं तो उसको देख के तो मैं सोच रही हूं ये कहीं देखी सी लग रही है औरत ये कहां देखी कह रही मैं बहुत देर से देख रही हूं और फिर जब लगा कि नहीं मैं अच्छे से देख लूं तो मैं जब उठी कि जाके मिल लू देख लू कौन है तो राज खुला के अपने आप को ही देख रही थी क्या तुम्हारे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ कि तुम चल रहे थे और अचानक लगा कोई है और देखा तो शीशे में तुम ही दिख रहे थे अपने ही प्रतिबिंब को देख उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व जान जो भ्रम हुआ उसी को कहते मिथ्या देखिए आप शीशे में जब भी देखते हो क्या आप जानते हो शीशे में हमेशा उल्टा शरीर दिखता पर हमें कभी शंका भी नहीं होती लेफ्ट लुक्स ऑन द राइट एंड द राइट इज ऑन द लेफ्ट पर इतने गहराई से और इतनी सच्चाई से हम अपनी ही उस रिफ्लेक्शन को देखते दे हैं कि कभी शंका भी नहीं होती क्या उल्टा दिख रहा है और हम भी ऐसे परफेक्ट हो चुके हैं कि अपनी ही उल्टी दिखते प्रतिबिंब से हम पूरा मेकअप भी कर लेते कोई दिक्कत नहीं पर है उल्टा जो दिखे पर सत्य ना हो उसे कहते मिथ्या एक सत्य है एक असत्य है जिसको हम असत कह रहे हैं उसी की मैंने और गहरी व्याख्या दी है असत (untrue) doesn't means मीन्स दट यू कैंट फील इट पर जिसको तुम महसूस कर रहे हो अपनी इंद्रियों से उसको महसूस करके भी यह जाने कि यह सच नहीं अब इसका आ, मनन कैसे करें आंखें देख रही आंखों को बाहर बहुत तुमने दृश्य दिखाए अब थोड़ा अपने को देखो हाथ दिखे है कि असत पैर दिखे पूछो अपने बुद्धि से पूछो ये सत्य है कि असत्य जिस शरीर को जागृत काल में हम पूरी तरह देख रहे हैं उस शरीर का पूरा अभाव हो जाता है स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जाते सत्य जिसका किसी काल में अभाव हो जाए वो असत होता है जो भी तुम्हारे शरीर की आयु है उसके पहले क्या ये देह था नहीं था और फिर एक दिन आने वाले कल में ये फिर नहीं हो जाएगा देह सत्य है असत? अब इन इंद्रियों से जो देखते हो जो सुनते हो जो चखते हो जो सूंघते हो वह सत की असत असत ठीक बयालीस इकतालीस साल नौ महीने पहले यह शरीर नहीं था अब है कुछ काल बाद ये शरीर गुरुमा का शरीर फिर नहीं हो जाएगा तो ये देह सत्य है कि असत्य असत जिस देह के साथ जी रहे हो वो देह असत और जिन इंद्रियों के साथ संसार देख रहे हो वो संसार असत है ना अद्भुत बात कि इसी असत के व्यापार में तुम सत को ढूंढने की चाबी नहीं रख रहे हो क्योंकि यही तुम्हारे लिए सत्य हो गया विचार सागर में एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया है समी निश्चल दास ने दिया वो लिखते हैं कहते एक बंध्या के पुत्र ने बंध्या माने बांझ स्त्री के पुत्र ने एक बांझ स्त्री के पुत्र ने रस्सी में दिखते कल्पित सांप को मारा और आकाशीय पुष्पों की माला आकाशीय पुष्पों की माला बना के अपने गले में बड़ा खुश हुआ बांझ स्त्री के इस पुत्र ने फिर अपने आप को प्रसन्न करने के लिए आकाश में छलांग लगाई और कप अपने कपड़ों को नीले रंग में रंग के इंद्रधनुष पर बैठकर धरती पर वापस उतरा और इतना सब कर्म देखकर इसके इसकी माता ने इसको बहुत डांटा सिरे से झूठ स्त्री का पुत्र ने रस्सी के सर्प को मारा और उसके साथ उनकी मदद स्थानुपुरुष ने भी की स्थानु वो आधा पेड़ टपेड़ स्थानुपुरुष उसका मित्र है उसने भी संघ में सहायता की उसके असत सुखमणी साहब में गुरुवर्जन बहुत सुंदर वर्णन देते हैं मिथ्या तन तन सबाया मिथ्या ममता माया अद्भुत मिथ्या जो दिखे पर सत्य ना हो मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया समझ लगती है पर अगली बात तो इतनी क्रांतिकारी है मिथ्या में ममता जो तुमको अहंकार है ये भी मिथ्या है और जो तुम्हें ममता है ये भी मिथ्या है मिथ्या मन से क्या सच्ची ममता जगेगी मिथ्या मन में क्या सत्य अहंकार होगा तेरा अहंकार भी झूठ तेरा अभिमान भी झूठ तेरा मन ही झूठ मिथ्या राज जोबन तनमाल मिथ्या काम क्रोध विकराल जिस काम से तू निवृत्त होना चाहता है जिस क्रोध को तू दूर करना चाहता है यह भी मिथ्या। है अद्भुत भगवान कह रहे हैं न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयो रोपी दृष्टोत इसको जान इसको समझ इन दोनों तत्वों का इन दोनों तत्वों का तत्वदर्श भी दृष्ट तत्वदर्शी ऐसा देखते हैं ऐसा जानते हैं सच का कभी अभाव होगा नहीं और असत सदा बना नहीं रहेगा अविनाशी तु तद्विद्धि येन ये नर्विदम तम विनाशम व्यवसाय न कचित कत्म हरती अविनाशी जो नाश रहित है विद्धि तू उसको जान तू मरने वालों की नाश प्राप्त हो जाएगा तो उन शरीरों को देख रहा है इन मरने वाले शरीरों में जो अविनाशी है तू उसको देख दृष्टि या सत्य पे हो सकती या असत पे या अविनाशी पे या विनाशी पे अभी अर्जुन तेरी नजर सिर्फ विनाशी शरीरों को देख रही है कि मामा चाचा ताया विष्णु द्रोण ये मर जाएंगे अरे रह याद रहे जो आज नहीं मरा वो कल मरेगा कभी तो मरेगा और जिसका स्वभाव ही है मिट जाना उसके लिए क्या सोचना मतलब तू मार सत्य तो यह है जिसके भीतर सत्य का प्रकाश नहीं वो पहले ही मरा हुआ है तो मरे हुए को मारने में क्या पाप जिसके भीतर असत्य की असक्ति है ऐसे असत देही को मारने में क्या पाप क्या है अविनाशी किसको देख रहा है नाशवान को बदल जाने वाले को जो प्रकृति का कार्य है जान, यह सारा संसार ही विनाशी है जान इस बात को विनाशम व्यवसाय यह सारा दिखने वाला संसार अविनाशी नहीं है यह विनाशी है और जो अविनाशी है उसको कोई मार सकने में समर्थी नहीं जो अविनाशी है उसको कोई मार नहीं सकता जो विनाशी है उसको कोई बचा नहीं सकता अर्थात तू तु, तू नहीं मारेगा तो क्या ये मरेंगे नहीं इस समय इनको मारना तेरा धर्म है क्योंकि ये अधर्म का चिन्ह हो चुके तू नहीं मारेगा तो ये मरेंगे नहीं द्रोणाचार्य क्या मरेगा नहीं भीष्म पितामह क्या मर भले ही इच्छा मृत्यु है पर एक दिन तो शरीर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा एक दिन तो ये शरीर जाएगा कि नहीं जाएगा जब जाना ही है तुझे चिंता किस बात की अस्य अवस इस अविनाशी को कोई नाश करने में समर्थ नहीं है अन्तंत इमे देहा नित्य सोक्त शरीर अनाशीन प्रमेय भारत इस देह का अंत क्या है मृत्यु इस नियम को कोई बदल नहीं सकता अब इंसान ना बहुत अजब तरीके से सोचता है वो कहते है, नहीं बच्चा था बेचारा अभी तो देखा ही क्या था अभी जवान था बुढ़ा होके मरता है, तो समझ लगती अच्छा बुढ़ा मर जाए ना तो भी वो कहते हैं अमुक आदमी की उम्र तो इससे बड़ी वो तो जिंदा है ये क्यों मर गया पिछले दिनों जब इस शरीर के पिता की मृत्यु हुई तो पिता के जो बड़ी बहन है और उनके पति और उनके बड़े भाई बड़े भाई तो ऐसी बात नहीं बोली पर उनकी बड़ी बहन और उनके जो पति हैं जीजा जो हुए फूफा <laughs> एक फू और एक फा <laughs> दोनों ने एक बात कही कह रहे हम बुढ़े थे हम अभी भी हैं वो क्यों चला गया हम बुढ़े पिचासी साल के हो गए हम अभी तक जिंदा वो तो सिर्फ चौहत्तर कथा वो क्यों चला गया देखिए अब शरीर जिस जीन से बना है उस जीन की एक अपनी ड्यूरेशन है म्याद है वो उतनी ही म्याद तक चलेगा आपकी गाड़ी में जितना पेट्रोल है आपकी गाड़ी उतनी ही दूर तक तो जाएगी उससे ज़्यादा थोड़े उससे ज़्यादा तब जाएगी जब उसमें और तेल भरा जाए नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी ऐसे ही तुम्हारे इन जीव कोषों में जितनी आयु है आने वाले समय में शायद जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होगा शायद ऐसी मशीनें भी बन जाएं जो जीनियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपको पूरी एक रिपोर्ट बना के दे देंगे कि ये बच्चे का शरीर 40 साल इतने दिन या 45 साल या 50 साल या 60 साल चलेगा इतना भाई तुम कार खरीदते हो कोई मशीन खरीदते हो तो उसकी लाइफ क्या है तुमको बताया जाता है तो ऐसे ही तुम्हारा अधिकार होना चाहिए कि तुम यह भी जानो कि जो शरीर तुमको मिला है ये कब तक चलेगा अब बस फर्क यह है कि घड़ी या मशीन कोई भी हो उसमें तो उसकी एक रैंडम कैलकुलेशन की जा सकती है पर मनुष्य शरीर की थोड़ी सी करनी मुश्किल कारण हमारे डीएनए भी बदल जाता है हमारे तनाव और क्रोध की लहरों की वजह से बात चली है तो सुनाती हूँ तीन साल पहले जब मेरी उनसे मुलाकात थी हम लोग बैठे थे उनके अपार्टमेंट में उनके कुछ भक्त थे कुछ मेरे साथ थे चलने का वक्त हुआ तो उनकी बेटी वो लाई प्रसाद फल कहती गुरु माँ सबको दे दो ठीक है तो मैंने पहले तो कहा मैंने कहा नहीं अब आप बुआ जी आप दीजिए आपके हाथ से सबको मिलना चाहिए बोले नहीं नहीं माँ है तू माँ है तू दे ठीक है जैसा आप कहें इसमें भी खैर बड़ी लंबी बात चली तू दे मैं दू तू दे मैं <laughs> फाइन मैं फाइनली मैंने ठीक देती सबको दिया अचानक से थोड़े बूढ़े से हाथ सामने आए क्योंकि मेरी नजर यूं थी झुकी हुई थी फल के उस टोकरे पर तो मैं देख नहीं रही हूं कि कौन है बस दिए जा रही थी थोड़ा जल्दी निकलना चाहने, चाह रही थी मैं तो अचानक से वो बूढ़े से हाथ दिखे तो अरे आप वो भी हाथ जोड़ के खड़े मेरे को भी दे ऐसे नहीं, नहीं होगा आपकी एक बात मैंने मान ली आपने कहा सबको दे दे, मैं दे। मैं आपको थोड़ी दूंगी मैं कि क्यों नहीं वाई नॉट ज्यादा अंग्रेजी में बोलते हो वाई नॉट आई एम ऑल्सो योर चाइल्ड यू नॉट डिनाई मी दिस राइट यू हैव टू गिव मी आई सेट सॉरी ये रहा टोकरा अब मेरे को दो बड़े हो मेरे से बोले ना आई एम अ चाइल्ड यू गुरु म यू आर गुरु मा आई आई एम नॉट यू आर गुरु मा सो यू गिव मी नाउ ऐसा सिद्ध योगी और ऐसा बालवत और नम्र और प्रेम पूर्ण व्यवहार अपनी सारी उपलब्धियों को वो एक किनारे करके एक बच्चे की तरह व्यवहार करते खिलखिला के हंसते हर बात पर उनका ये कथन है कि नेचुरल प्रोसेस में ये शरीर जितनी देर चल जाए अब उसको वो नेचुरल प्रोसेस कह रहे हैं 117 साल की आयु को वो नेचुरल प्रोसेस कह रहे हैं इन नेचुरल प्रोसेस दिस बॉडी में लिव फॉर एज लॉन्ग बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द जीन्स ऑफ दिस बॉडी आई एम नॉट गोइंग टू रीजनरेट माई सेल्स बैक तो वो एक जिंदा प्रमाण है इस बात के, के मनुष्य के शरीर की प्राकृतिक संभावना कितना लंबा जीने की अब वो इतना लंबा क्यों जी रहे हैं दिन में तीन घंटे चार घंटे उनके हठ योग को करने में प्राणायाम को साधने में लगते हैं आहार बड़ा थोड़ा है नौ बजे तक सो जाना तीन बजे जगना एंडोक्राइनल रिलीजिस सी क्रिश्चन इन द बॉडी आर ऑल है नाइट टाइम सो हीट की साधना इतनी गहरी चल रही खाना इतना कम और बहुत बुद्धिपूर्वक खाना मन का निग्रह मन में कुछ लहरें नहीं उठ रही ये उनकी करुणा है कि वह आगे सिखा रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं ये उनकी करुणा है ये संतों की करुणा होती है 117 साल मैनहटन के चोर बड़े प्रसिद्ध है वो गोली पहले मारते हैं सामान बाद में चोरी करते हैं और एक दिन इनके अपार्टमेंट में घुस आए गुंडे। क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं वो सबसे महंगे इलाके में है वो बात अलग है मेरे को मेरे साथ दूसरी मुलाकात में अपने बैंक की स्टेटमेंट दिखा रहे थे कहते जीरो बोले मेरे स्टूडेंट्स पे कर देते हैं यहां का रेंट मेरा नहीं है ये रह रहा हूं ठीक है पर सबसे महंगा इलाका है। अप, इसके, अप टाउन मनहट में चोरा आ गए उन्होंने आते ही यहां बंदूक रखी और बड़े मजे से हंस के उसको कहते जो तू ढूंढ रहा है वो यहां थोड़ी लुक इन ड्रॉय लुक इन ड्रॉर्स लुक इन कबर्ड व्हाट आर लुकिंग फॉर इज नॉट हियर उन्होंने दराज अलमारियों के खोले देखा वहां कुछ होता तो ना चले गए वो वह नहीं श्रोक नहीं जिसके चित्त में उनका देह लंबा जी जाता है और यह भी सत्य है कहीं कही ना कहीं उसका संकल्प भी चल रहा होता है कि जितना लाभ दे सके वो दे ले क्योंकि इस देह से जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को वो पूरी तरह भोगना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं ज्ञानेश्वर जी महाराज ने 21 साल की आयु में ही देह छोड़ दिया क्या वो योगी नहीं थे थे उनकी वही मौज थी आयु से तुम किसी के योग सिद्धि का अनुमान नहीं कर सकते हो ज्ञानेश्वर इक्कीस साल में समाधि ले लेते हैं देह को छोड़ देते और ये योगी 117 साल में भी बच्चों की तरह खिलखिलाता हस्ता गाता की शिक्षा दे रहा है संभावनाएं हैं बहुत सी पर यह याद रहे यह जो देह है ये है विनाशी कितने समय तक जिन्ना रही सवाल इसका नहीं है सत्य इतना ही है अंत इमे देह नित्य सोक्ता शरीर नहीं जो अनाशिना है जीव नाश रहित है जो जीव वह अप्रमेय स्वरूप है अब देखिए नया शब्द आया है अप्रमेय पहले फिर प्रमेय को समझिए कि प्रमेय का मतलब क्या प्रमेय का अर्थ है विषय प्रमाण इंद्रिय अंतकरण जिससे ज्ञान हुआ वह प्रमाता मन बुद्धि चित्ता को हम कहते प्रमाता और इन ज्ञान इंद्री या कर्म इंद्री के द्वारा जो संसार से रिश्ता जुड़ा किस प्रमाण से जाना कि बाहर रोशनी है प्रमाण माने एविडेंस प्रमाण माने मीडियम दिन है कि रात जो चीज खा रहे हैं वो मीठी है या कड़वी किस प्रमाण से जाना हमारा बोध किस प्रमाण से हो रहा है अब यू देखिए हमने कोई भी चीज खाने की रखी जीप पे जीप से नर्व एंडिंग्स निकल रही हैं और वो जा रही हैं दिमाग तक जीप पे रखते ही समान कितनी गति से ये सूचना पहुंचती है दिमाग में और तुरंत दिमाग प्रोसेस कर देता है ये मीठा है कितना वक्त लगता हाँ अगर तुम बेहोशी से खा रहे हो तो नहीं पता चलता कहीं इतने बेहोश है पूरा खाना खा जाएंगे पत्नी कहती आए है बेवकूफ आदमी इसमें तुम्हें नमक नहीं डाला तेरे को पता भी नहीं लग रहा कि नमक नहीं दिमाग कहा है अच्छा वो मैं सोच रहा था ना बेहोशी में खा रहा है। या इतनी जोर से भोजन में घुस जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि कब खाना बंद कर देना चाहिए दो गलतियां या तो स्वाद लिए बगैर खा रहा है या इतने स्वाद में घुस गया कि कब बंद करना चाहिए पेट चिल्ला रहा है बस करो बस करो बस करो पर दिमाग सिर्फ इस जीव तक लगा है पेट की पुकार को वो सुन नहीं रहा फिर बाद में रोता है पेट दुख रहा है <laughs> गैस हो गई कब्ज हो गई अपच हो गया किस प्रमाण से जाना कि अब और भोजन नहीं करना या किस प्रमाण से जाना किस माध्यम से जाना इस माध्यम को कहते प्रमाण तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमेय विषय विषय किसको कहते शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं पंच वस्तुओं का निग्रह है जहां उसे हम कहते प्रपंच पांच ही भूत हैं पृथ्वीज अग्निवायु व आकाश इन्हीं पंचभूतों के पंचीकरण होने से बाहर विषय बन गए भोगने वाली इंद्री बन गई और जानने वाला मन बन गए पंचभूतों का खेल प्रकृति में क्षोभ हुआ वाइब्रेशनल चेंजेस आई प्रकृति में जड़ प्रकृति में प्रकृति जब सुप्त अवस्था में थी तब उसमें क्षोभ हुआ क्षोभ होते ही उससे निकला महत और इस महत से निकली पंचभूत वो भी सूक्ष्म रूप में अभी वो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश फॉर्म में नहीं आए अभी उसका भी सूक्ष्म रूप जिसे हम कहते तन मात्रा तन मात्राओं से फिर आगे प्रोसेस हुई तो तन मात्राएं बदली पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का अभी भी सूक्ष्म रूप है अब इनकी आपस की इंटीग्रेशन शुरू हुई अब इनकी आपस की इंटीग्रेशन से आकाश बना पृथ्वी बनी जल बना अग्नि बनी वायु बन गए जिस समय यह पंच तत्वों ने भौतिक स्वरूप ले लिया तो फिर इस भौतिक स्वरूप में फिर आगे फर्दर डिवीजन होती है जो उसका इसेंस पार्ट है तत्वों का जो प्योर पार्ट है उससे तो बना तुम्हारी ये इंद्रिय तुम्हारा ये सूक्ष्म शरीर की रचना हो गई और उसी का जो ग्रास फॉर्म है जो स्थूल फॉर्म है जिसे हम तमोगुण भी कह सकते हैं उससे बन गया ये सारा जगत